एम्स की फॉरेंसिक एजेंसी अब सुशांत सिंह राजपूत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करेगी। क्या है ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी और क्यों की जा रही है ये रेयर तरह की ऑटोप्सी सुशांत सिंह राजपूत मामले में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कूपर हॉस्पिटल ने तैयार की है उसके अंदर कई सारी खामियां सामने आई है। ऑटोप्सी का टाइम मेंशन नहीं किया गया है, स्टमक और ब्लैडर खाली बताया गया है, इंजरीज का कई मेंशन नहीं किया गया है। यही कारण है कि एम्स के डॉक्टर्स को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अहम जानकारियां नहीं मिल पा रही है और इसीलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। CFSL की टीम ये ऑटोप्सी एग्जीक्यूट करेगी। अगर सरल शब्दों में बात किया जाए कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किसको कहते हैं तो ये वो ऑटोप्सी है, ये उस तरह की जांच है जिसमें एक्सपर्ट्स ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। रिपोर्ट्स कहती है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में की जाती है। इंडिया में भी ये ऑटोप्सी सुनंदा पुष्कर के केस में की गई थी, इसके अलावा बुराड़ी मास सुसाइड के टाइम पर यह ऑटोप्सी एग्जीक्यूट की गई थी। आपको बता दें कि इस ऑटोप्सी से सुशांत सिंह राजपूत के हाव भाव को समझा जाएगा, उनके दोस्तों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके आसपास वालों के साथ, उनके दिमाग में क्या था और वो किस तरह से सोचते थे, किस मूड में रहते थे उन लोगों के साथ, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इससे ये भी पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के क्या मूड स्विंग्स होते थे, क्या सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उनका मूड खराब होता था, किस बात से उन्हें गुस्सा आता था, यानी कि उनका जो मेंटल स्टेट है वो पकड़ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मुंह से कुछ नहीं बोलता है लेकिन अंदर से उसको गुस्सा आता है, ऐसे केसेस में ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जाती है जिससे इंसान के बिना बोले उसके दिमाग में क्या है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सभी के स्टेटमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जो खुद मौजूद नहीं है बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ था, यही कारण है कि अब एम्स की टीम ये सोच रही है, डिसीजन ले रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जाए। वेल, आपको क्या लगता है इस तरह की ऑटोप्सी करने से क्या वाकई में पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में किसको लेकर गुस्सा था, किस बात से वो नेगेटिव हो जाते थे और क्या चीज उन्हें हर्ट करती थी? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।